हरियाणा से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट के लिए घंटी बजाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज, सच के साथ खबरें बेबाक। खबर करनाल से है, जहां किसानों की आय को दोगुना करना और कम लागत में किसानों को अच्छा मुनाफे के लिए गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिक नई नई किस्मों पर काम करते रहते हैं और इसी के चलते गेहूं और अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों ने गेहूं की नई किस्म पर काम किया। बता दें कि 24 से 26 अगस्त तक इंदौर में होने जा रही राष्ट्रीय कार्यशाला में इन किस्मों पर चर्चा की जाएगी और इसी कड़ी में संस्थान के डायरेक्टर डॉक्टर ज्ञानेन्द्र प्रताप सिंह का कहना है कि हमने DBW 222 और HT 3271 के साथ कई किस्मों पर काम किया है जो किसानों के लिए मुनाफा लाएगी। साथ ही ये भी बताया कि फसलों को तैयार करने के बाद बाजारों में इसे बेचा जाएगा जिससे किसानों को कम लागत में अच्छा मुनाफा मिलेगा।